नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सतीश शर्मा। लोकसभा चुनाव का एक तरह से कह सकते हैं कि बिगुल बज चुका है, क्योंकि तमाम सारी पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं, रैलियां चालू हो गई हैं, साथ ही सीटों का ऐलान भी शुरू हो चुका है। कुछ ही समय बचे हैं जब इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनाव का डेडलाइन भी घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले कल बीजेपी की तरफ से पहली लिस्ट आ गई है, जिसमें 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। बीजेपी की इस पहली लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 51, मध्य प्रदेश की 24, गुजरात के 15, राजस्थान के 15, कर्नाटक के 12, तेलंगाना के 9, असम के 11, झारखंड के 11, छत्तीसगढ़ के 11, दिल्ली के 5, जम्मू कश्मीर के 2, उत्तराखंड के 3, अरुणाचल प्रदेश के 2, गोवा के 1, त्रिपुरा के 1 और इसके साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप के 1 और दमन एंड दीव की 1 लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिसमें से कुछ लोगों के टिकट भी कटे और कुछ लोगों को दोबारा मौका दिया गया। साथ ही बीजेपी अपने वरिष्ठ नेताओं पर खासा ध्यान दी और उनको दोबारा टिकट दिया, और इसके पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, पूर्व बड़े नेता थे, बीजेपी ने उन पर भी मेहरबानी दिखाई और उनकी बेटी को भी टिकट दिया है। लेकिन सबसे बड़ा बात ये रहा कि बीजेपी ने अपने जो मौजूदा सांसद हैं, कुछ बयानवीर हैं जो आए दिन तमाम सारे बड़े बड़े बयान देते हैं, जिसका विपक्षी घिराव भी करते नजर आते हैं और जिससे बीजेपी को कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसान का सामना भी करना पड़ा, उस पर बीजेपी ने अपना हंटर चला दिया है। बीजेपी ने अपने इस बयानवीर नेताओं को टिकट नहीं दिया है, उनका टिकट काट दिया है। और सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली है। दिल्ली में बीजेपी ने 5 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें से सिर्फ एक ही मौजूदा सांसद है जिसको रिपीट किया गया है, वो है मनोज तिवारी। मनोज तिवारी के अलावा 4 सीट का बीजेपी ने और ऐलान किया, जिसमें नए चेहरे को मौका दिया गया है। और सबसे चर्चित जो दिल्ली के सांसद हैं, रमेश बिधूड़ी, बीते दिन लोकसभा में जिस तरह से उनका एक बयान बहुत ही वायरल हुआ था, उस पर विपक्षी मोदी सरकार को घेराव भी किया था विपक्षियों ने, उन्होंने भाजपा सांसद दानिश अली के खिलाफ मोर्चा खोला था और सीधे उनके ऊपर कई सारे बड़े कटाक्ष किए थे, विवादित बयान उनके धर्म को लेकर के दिया था, उनके ऊपर कई सारे ऐसे बयान दिए थे, जिसके बाद से लगातार ये हो रहा था कि बीजेपी उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। लेकिन बीजेपी ने अब उन पर बड़ी कार्रवाई की है और दक्षिण दिल्ली से वो मौजूदा सांसद हैं, लेकिन इस बार उनको टिकट नहीं दिया है। दक्षिण दिल्ली से रमेश बिधूड़ी का टिकट काट करके राम सिंह बिधूड़ी को टिकट दिया है। और अगर बात करें मीनाक्षी लेखी की, मीनाक्षी लेखी भी बीजेपी की एक तेज तर्रार नेता मानी जाती है, लेकिन अपने बयानों से काफ़ी ये भी चर्चा में बनी रहती हैं। नई दिल्ली से ये सांसद हैं, लेकिन बीजेपी ने इस बार इनका भी टिकट काट दिया है। बीते कुछ दिन से इनका एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें जब पत्रकार पूछता है तो उसके बाद दौड़ती हुई भागती नजर आती हैं, सवालों से बचती हैं और कुछ ऐसे बयान देती हैं जो काफ़ी चर्चा का विषय भी बनी रहती हैं। और जब लोकसभा का सीट का अनाउंस हुआ तो इनका भी टिकट कटा और इनके जगह जो पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी थी, मौजूदा समय में वो नहीं है पार्टी में और इस दुनिया में भी नहीं है, सुषमा स्वराज जी, उनकी बेटी को नई दिल्ली से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। बात करें पश्चिमी दिल्ली से तो प्रवेश वर्मा भी अपने बयान के लिए काफ़ी जाने जाते थे, उनका भी टिकट काट दिया गया है। उनके जगह कमलजीत सहरावत को टिकट दिया गया है। और अगर बात करें चांदनी चौक से तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को भी टिकट नहीं दिया गया है, उनके जगह प्रवीर खंडेवाल को दिया है। तो दिल्ली के कुछ बयानवीर नेताओं का जो बीजेपी ने टिकट काट दिया। इसके बाद अगर चलते हैं भोपाल, भोपाल से बीजेपी की तेज तर्रार नेता प्रज्ञा ठाकुर, जो अपने बयानों के लिए जानी जाती हैं, कई ऐसे बयान देती हैं जो काफ़ी वायरल भी होता है, चाहे कोई भी बयान हो, विपक्षी लगातार इन पर हमलावर भी होते हैं, लेकिन बीजेपी का हंटर इस पे भी चल गया है। बीजेपी ने प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काट दिया है भोपाल से और वह इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब इस पर उनका कुछ बयान तो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन बीजेपी ने अपने जो जो बयानवीर सुरमा थे उनके ऊपर पहली लिस्ट में तो शिकंजा कसा है और ये सूचना दे दी है कि आने वाले समय में जो दूसरी या तीसरी लिस्ट जारी होगी, जितने भी लोगों का हो, अभी जो बयानवीर है उनके अंदर कहीं ना कहीं खलबली मच गई होगी कि उनका क्या होगा। तो भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काट करके बीजेपी ने आलोक शर्मा को टिकट दिया है। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। जब बीजेपी ने अपने बयानवीर सुरमाओं का टिकट तो काट दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक मौजूदा सांसद हैं जो अभी पिछले कुछ महीनों से, कह लें साल भर से, काफ़ी चर्चा में रहे, विवादित
भी हुए, उनको लेकर के अहम धरना प्रदर्शन खिलाड़ियों के द्वारा हुआ। समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के। बृजभूषण शरण सिंह फैजाबाद से बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं, और जिस तरह से बीजेपी ने अपने बयान बीरू का टिकट काटा है, कहीं ना कहीं ये बृजभूषण शरण सिंह को भी संदेश बीजेपी ने देने की कोशिश की है कि आने वाले जो लिस्ट है उसमें बीजेपी हो सकता है कि उनका भी टिकट काट सकती है। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से खिलाड़ियों का मामला निकल के सामने आया था, बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर खिलाड़ियों ने बड़ा आरोप लगाया था, और उसके बाद से बृजभूषण शरण सिंह को कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष से इस्तीफा देना पड़ा था, उनको हटा दिया गया था। फिर चुनाव हुए तो बृजभूषण शरण सिंह का एक बयान आया था कि दबदबा बरकरार है, तो बृजभूषण सिंह पार्टी में अपना दबदबा बरकरार करने की बात कर चुके हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने इस बार कार्रवाई की है लोकसभा सीट को लेकर के, कई बयानवीरों का सीट जो है उनको लोकसभा का टिकट काट दिया है, लोकसभा का टिकट नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह और इस तरह बयानवीर नेताओं को बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि अगर आप लाइमलाइट में बनना चाहते हैं, कोई फर्जी बयानबाजी करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को बीजेपी अब मौका नहीं देगी, क्योंकि ये नई बीजेपी है, प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी है। तो ऐसे बयानों से अगर आप नहीं बचते हैं तो आपके ऊपर पार्टी कार्रवाई करेगी, समय पे कार्रवाई करेगी। तो कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह के अंदर भी अब एक खलबली मची होगी। सिर्फ बृजभूषण शरण सिंह नहीं, ऐसे कई तमाम नेता हैं जो लाइमलाइट में मीडिया में बने रहने के लिए काफ़ी बड़े बड़े बयान देते हैं। अब बीजेपी ने इन सभी नेताओं के ऊपर हंटर चलाया है। अब देखना होगा कि बृजभूषण शरण सिंह के मामले में क्या होता है, उनको टिकट मिलता है या नहीं, यह तो आने वाली लिस्ट तय करेगी। लेकिन बीजेपी ने संदेश तो बड़ा दिया है, इस पर आप सबकी क्या राय है जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।